बिहार चुनाव के मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों की तकलीफ, लचर मेडिकल सिस्टम, शिक्षा, बाढ़ की तबाही, भाग बुड़बक। कम से कम नेताओं को सुनकर तो यही लगता है। लोकल और नेशनल छोड़िए, बिहार चुनाव अब इंटरनेशनल हो गया है। यहाँ जिन्ना का जिन घुस आया है। ट्रंप का टंटा हो रहा है और एक बार फिर से डीएनए की जांच हो रही है। पेश है बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों का ये कैप्सूल। खबर की शुरुआत करते हैं महागठबंधन के घोषणा पत्र से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। इस दौरान आरजेडी नेतृत्व वाले महागठबंधन ने बिहार में सरकार को बदलने का संकल्प लेते हुए शनिवार को अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। प्रण हमारा संकल्प बदलाव का नाम वाले संकल्प पत्र को जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सत्ता में आने के बाद 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प दोहराया। संकल्प पत्र जारी करते हुए तेजस्वी ने कहा, सत्ता में आने के बाद नौकरी के लिए भरे जाने वाले आवेदनों में फीस माफ की जाएगी और परीक्षा केंद्र जाने के लिए किराया भी माफ किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई वादे गिनाए गए। अब दूसरी खबर पर चलते हैं। महागठबंधन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जमीन हड़पने वाले आज किसानों पर बात कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने तंज कसते हुए महागठबंधन को डपोरशंखी कहा। दरअसल महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी करने के साथ ऐलान किया गया है कि बिहार में सरकार बनने पर विधानसभा के पहले दिन ही महागठबंधन तीनों कृषि बिल के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी। बिहार चुनाव में पीएम मोदी ही बिग फेस हैं। प्रचार के लिए बिहार बीजेपी ने खास गाना मोदी जी की लहर है जारी किया है। इसमें भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ दिख रहे हैं। गाने में आत्मनिर्भर बिहार बनाने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने की बात कही गई है। अब बवाल वाली खबर सुनिए। बिहार के सियासी समर में जनता से किए पुराने वादे भले ही नेताओं को याद ना हो, लेकिन बयान बखूबी याद रहते हैं। जिन्ना पर बवाल के बाद डीएनए पर भी बात छिड़ गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने शनिवार को डीएनए का सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये वही भाजपा है जिसने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था। अब नीतीश कुमार जी डीएनए का मतलब भूल गए हैं। महागठबंधन की साथी आरजेडी कैसे पीछे रहती? नेता तेजस्वी यादव ने भी डीएनए को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं ठेठ बिहारी हूँ, मेरा डीएनए पूरी तरह शुद्ध है, मैं जो वादा करता हूँ उसे पूरा कर दिखाऊंगा। दरअसल 2015 के विधानसभा चुनाव में डीएनए मामला खूब उछला था। तब पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया था, क्योंकि तब वो लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, जिस पर नीतीश कुमार ने कड़ा विरोध जताया था। इतना ही नहीं, तेजस्वी चुनाव में ट्रंप को भी ले आए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि अभी केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि क्या विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आएंगे? अब चलते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। महागठबंधन से एनडीए में शामिल हुए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पर टिकट का सौदा करने का आरोप लग रहा है। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर की बोचहां विधानसभा सीट से विधायक बेबी कुमारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। रोते हुए उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी ने महागठबंधन के एक नेता के हाथों बोचहां सीट का 3,08,00,000 में सौदा किया। हालांकि उन्होंने अपने इस आरोप के समर्थन में कोई सबूत उपलब्ध नहीं कराया है। इससे पहले बनियापुर के पूर्व बीजेपी विधायक ने भी इसी तरह का आरोप मुकेश पर लगाया था, जिसमें उन्होंने 2 करोड़ रुपए मांगने की बात कही थी। हालांकि इसका बाद में वीआईपी की ओर से खंडन कर दिया गया था। एक चीज आपने गौर किया होगा, आज की 5 बड़े खबरों में आम आदमी गायब है, उसके मुद्दे गायब हैं। सियासी शोर इन मुद्दों की आवाज दबा जाती है। वैसे अगर आप बिहार चुनाव के असली मुद्दों को जानना और सुनना चाहते हैं तो देखते रहिए क्विंट हिंदी। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और घंटी जरूर दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो आए तो आपको अलर्ट मिल जाए।